एक्चुअली ये तो हमारा बनाया हुआ है, टॉलीवुड बॉलीवुड ऐसा कुछ होता नहीं, काम तो काम है। आप सिंसियरली काम करो, किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट दो, आपको रिस्पेक्ट वापस मिलेगा। तो आई थिंक काम अच्छा होना चाहिए। मैं बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद। मुझे कलकत्ता मेरा जन्मभूमि है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का खाना मैं बहुत मिस करती हूँ तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। टॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में काम करना कितना मुश्किल है आपके लिए? एक्चुअली ये तो हमारा बनाया हुआ है, टॉलीवुड बॉलीवुड ऐसा कुछ होता नहीं, काम तो काम है। आप सिंसियरली काम करो, किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट दो, आपको रिस्पेक्ट वापस मिलेगा। तो आई थिंक काम अच्छा होना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। अब इंडस्ट्री तो इट्स ऑल द सेम। ये मैं कुछ भी नहीं बता सकती क्या हो रहा है, लेकिन हाँ मिर्ज़ापुर 3 हो रहा है, हम सब मेहनत कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सब बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो है मेहनत करो और कोई शोशा मत रखो, और अच्छा काम करो और सीखते रहो और एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ो। तो ऐसा वाला मिर्ज़ापुर का जो शो है वो ऐसा है, तो हम सबको बड़ा मज़ा आता है। तो हाँ, इस टाइम बहुत टाइम जा रहा है, जो कलकत्ता भी आना पड़ रहा है मूवी प्रमोशन के लिए और वहाँ तो शूट चल रहा है, तो इस टाइम का बैलेंस कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली ये बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए। मैं कलकत्ते आना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा का बर्थडे है, मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन ये प्रमोशन भी है और मैं वहाँ शूट भी कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है। लेकिन आई थिंक यही दिन के लिए, इतने दिन से हम वेट कर रहे थे, तो इस दिन को क्रिब नहीं करना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए और बोलना चाहिए हम ऐसे ही व्यस्त रहे, थैंक यू भगवान। जी दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? मेरे सारे दर्शक जो यहाँ हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद। और ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कलकत्ते की एक मध्यम वर्गीय फैमिली से आती हूँ और मैंने काफ़ी मेहनत करी है जहाँ मैं आज हूँ उसके लिए। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरा काम देखें और हमें बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा।